हेलो यू ऑल। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट समर कुर्ती और ऑफिस वेयर या कॉलेज वेयर कुर्ती, बिकॉज बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कुछ कॉलेज वेयर ऑफिस वेयर कुर्ती के लिए। तो मैंने ना इसमें ज़्यादातर शॉर्ट कुर्ती को इंक्लूड किया है, बिकॉज इस गर्मी के कारण मुझे ऐसा लग रहा है शॉर्ट कुर्ती बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है प्लाजो पैंट वगैरह के साथ वेयर करने के लिए। प्लस इसमें मैंने थोड़ी सी लॉन्ग कुर्ती भी ली है। एंड यू नो व्हाट, अमेजोन प्राइम डे सेल इज लाइव फ्रॉम 20 to 21 July। गेट 50 to 80% ऑफ ऑन 1500 प्लस टॉप ब्रांड, सेम डे डिलीवरी ओवर 4 lakh प्लस स्टाइल्स, फ्लोर न्यू लॉन्चेस एंड शॉप नाउ, स्ले विद अमेजोन स्टाइल। 9 कुर्तीज इसमें मिलने वाली है और सबकी सब अंडर 400 और 450 के अंदर है। सो लेट्स हैव अ लुक। दीज आर द कुर्तीज एंड एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारी कुर्ती हैं इस बारी मेरे पास। सो फर्स्ट मेरी फेवरेट है दिस ब्लैक कुर्ती। इसका जो प्राइस है अराउंड 430 और 420 रुपीज है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मस्त है। आई डोंट नो इसमें कैटलॉग्स हैं या कलर है, बट मुझे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगा था और मैंने इसे स्मॉल साइज में लिया है। स्टिल ना मेरे को ये यहाँ से थोड़ा सा लूज है, वो मुझे स्टिच कराना पड़ेगा सो क्योंकि इसमें एक्सरसाइज नहीं था। लेकिन इसका कलर प्रिंट देख लो, बहुत सुंदर है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस तरीके की शॉर्ट कुर्तीज बहुत ज़्यादा पसंद है। डिस्ट्रेस डेनिम जीन्स के साथ ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो आपको फ्रंट पे ऐसे स्ट्रैप्स मिलेगा, दोनों साइड में इसी तरीके से है, और यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर से फ्रिल्स और प्लेट्स मिल जाएंगी। और पीछे ना आपको सिर्फ रिबन मिलेगा, आप चाहो तो फ्रंट पे भी बांध सकते हो या तो पीछे बांध सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बट फैब्रिक जो है कॉटन का है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा फैब्रिक है। आई रियली लाइक द फैब्रिक। बाकी इसका प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा अपना, और मतलब ब्लैक डेनिम के साथ भी, ब्लू डेनिम के साथ भी, व्हाइट डेनिम के साथ भी, किसी भी कलर के साथ पहन सकते हो। वैसे तो सारे कलर्स पे अच्छी लगेगी, इसमें आप चाहो तो रेड और येलो भी इंक्लूड कर सकते हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक और लाइट ब्लू कलर पे बहुत अच्छी लगेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, बिकॉज बहुत सारी कुर्तियां तो मुझे जल्दी जल्दी शेयर करना पड़ेगा। एंड आई हैव दिस ब्लू शॉर्ट कुर्ती। इसमें आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक 3-4 कलर ऑप्शंस हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी, दैट्स व्हाई आई पिक दिस। इसको भी आप डिफरेंट डेनिम जीन्स के साथ पेयर कर सकते हो। सो दिस इज अ नेक लाइन एंड इसका जो कट है फ्रंट से लाइक कुछ आलिया कट में है, और नीचे सेम फ्रिल्स मिल जाएंगे आपको। वैसे तो ये स्ट्रेट है, लेकिन स्टिल यहाँ पर फ्रिल्स की वजह से थोड़ा बहुत सा यू नो स्पेस मिल जाता है इसमें। और इसकी स्लीव्स की वजह से मैंने इसे लिया था। लुक एट दिस, बहुत ही डिफरेंट सी स्लीव्स हैं, और यहाँ पर लेस अप्लाई कर रखा है, सेम नेक पर भी अप्लाई कर रखा है। यू कैन सी यहाँ पूरा इस तरीके से आलिया कट मिल जाएगा, बाकी आप टॉन में देख लेना। एंड दिस इज द बैक साइड, पूरा प्लेन है। इसका जो फैब्रिक है प्योर कॉटन नहीं है, बट या बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक है, बट प्योर कॉटन नहीं है। जो अभी मैंने ब्लैक वन शेयर की थी वो प्योर कॉटन थी। और नीचे से ना आपको इस तरीके से मिलेगा, प्रिंट इसका बहुत अच्छा है। ये वाला कलर कॉम्बिनेशन मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्लू एंड वाइट का। तो इसमें डार्क ब्लू भी मिलता है, लाइट ब्लू भी है, वाइट भी है, थोड़ा सा ग्रेश भी है। तो आप डिफरेंट तरीके की डेनिम के साथ से पेयर कर सकते हो फॉर श्योर। एंड बाकी ऑक्साइज ज्वेलरी इंक्लूड कर लोगे तो बहुत ही लुक एनहांस हो जाएगा। सो दैट्स इट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस इज वेरी सिंपल दिस शॉर्ट कुर्ती, जो कि प्राइस अराउंड 250 रुपये कुछ है। और इसका फैब्रिक नॉट एक्जैक्ट कॉटन, बट थोड़ा सा कॉटन प्लस रेयॉन मिक्स है। और इसका प्रिंट आप देख लो, मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा, प्लस इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी डिफरेंट कलर है। इस तरीके से आपको स्लीव्स मिल जाएंगी ब्लू डेनिम जीन्स के साथ, ये बहुत अच्छी लगने वाली है। आप चाहो तो ब्लैक और बेज कलर भी ट्राई कर सकते हो उसके साथ। और दिस इज़ द बैक साइड, बिल्कुल प्लेन है, स्ट्रेट कुर्ता मिलेगा। इसका लेंथ मुझे परफेक्ट लगा, मेरी हाइट 5'3" है, उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट था। दिस इज़ द नेक लाइन, और टू बी वेरी ऑनेस्ट सब कुछ बहुत सिंपल है इसमें, लेकिन पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही डिसेंट आता है। अगर आप ऑफिस कॉलेज के लिए इस तरीके से सिंपल कुर्ती देख रहे हो तो आई थिंक दिस वन इज़ फॉर यू, बिकॉज प्राइस भी इसका बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बाकी आप ट्राई करना। बाकी इसमें आई डोंट नो कलर्स अवेलेबल हैं या नहीं, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा है, बिकॉज ये सब पर चला जाएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अरे देख लो आप, कितना प्यारा कलर है। एंड मुझे जहाँ भी लेस का काम मिल जाता है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फट से बाय कर लेती हूँ। और यहाँ पर आपको ना फ्रंट पे ऐसे रिबन भी मिल जाएंगे, जो कि प्रॉपर वाइट और लेवेंडर कलर में है। एंड इस तरीके से आपको स्लीव्स मिलेंगी, स्लीव्स पर भी लेस अप्लाई कर रखा है, प्लस बॉर्डर भी अप्लाई कर रखा है। इसका जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक कॉटन भी है और सॉफ्ट कॉटन है बिल्कुल, मतलब लाइट वेटेड, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपने कुछ पहन ही नहीं रखा, बहुत ही हल्का सा लगेगा।
सो बेसिकली मुझे ये फ्रिल्स वाली अगेन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ऊपर से आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा, नीचे ना फ्रिल्स डाल रखी हैं जिससे घेर आया है बहुत सुंदर सा, और पीछे भी इतनी सारी ये प्लेट्स हैं जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉपर घेर आया है। सो दिस इज़ द बैक साइड और दिस इज़ द फ्रंट साइड, बाकी आप प्राण में देख लेना। और ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था बिकॉज इसका कलर इतना प्यारा है, व्हाइट के साथ पहन सकते हो और ब्लैक के साथ पहन सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दोनों कलर्स के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी आप पे लेवेंडर कुछ हो तो आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसका भी प्राइस थोड़ा सा 420 प्लस आई थिंक, और उसके अकॉर्डिंग ये वर्थ पाएंगे बिकॉज इसका फिट, इसका लुक, इसका कलर और इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो आई थिंक यू मस्ट गो फॉर दिस वन अगर आप थोड़ा सा ऊपर बजट करना चाहते हो, लाइक 250 से ऊपर या 300 से ऊपर को जाना चाहते हो, तो यू मस्ट गो फॉर दिस वन एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। नेक्स्ट अगेन लास्ट शॉर्ट कुर्ती है, बाकी फिर लॉन्ग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने ब्लू कलर ऑलरेडी आपके साथ शेयर करा था, लेकिन ये ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट है। और शॉर्ट कुर्तीज में लाइक शॉर्ट नहीं, नॉर्मली भी ऑरेंज कलर हार्डली देखने को मिलता है, सो आई थिंक यू मस्ट गो फॉर दिस वन। सो इसमें ना जो फैब्रिक है कॉटन का है, प्योर कॉटन का, और इसमें ना बहुत ही डिफरेंट तरीके से प्रिंट हो रखा है। एज यू कैन सी व्हाइट डेनिम के साथ ये बहुत अच्छी लगी, आप चाहे तो ब्लैक के साथ भी पहन सकते हो, और यहाँ पर इस तरीके से आपको बॉर्डर मिल जाएगा चका चका। और इसका जो फैब्रिक है ना अंदर, इसमें अलग सी शाइन है धागों में या क्या है आई डोंट नो। फ्रंट पर आपको इस तरीके से यू नो स्टोन्स अप्लाई किए मिल जाएंगे, बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है, कॉलर वाला नेक है, और इस तरीके से आपको स्लीव्स मिलेगी। एज यू कैन सी यहाँ पर इस तरीके से आपको इलास्टिक भी मिलेगा, बैक से बिल्कुल प्लेन है, सेम आपको यहाँ बॉर्डर मिलेगा और पूरा इस तरीके से है। बट फ्रंट पर जो है यहाँ पर नीचे थोड़ा सा प्लेट्स डाल रखी हैं जिसकी वजह से लुक थोड़ा सा और इन्हांस हो जाता है, और इसका फिट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने स्मॉल साइज में लिया है और फिट तो लाइक क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका फिट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप अगर ऑफिस के लिए कुछ देख रहे हो तो यू मस्ट गो फॉर दिस वन। इसमें ब्लू कलर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप ब्लू कलर भी ले सकते हो। अब दिस पिंक कुर्ती, ये भी ऑफिस वेयर के लिए और कॉलेज वेयर के लिए काफ़ी सही है, इवन आप घर पे भी से आराम से 24 आवर्स पहन सकते हो। सो ये ना स्लीवलेस मिलेगी, इसका जो फैब्रिक है कॉटन का बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है, बिल्कुल लाइट कॉटन होता है ना थोड़ा सा, इस तरीके से लाइक हवा हर पार हो जाए इस तरीके से, कुछ उस तरीके का फैब्रिक है। और इतना आपको ना इसमें घेर टाइप मिलेगा, दोनों साइड से बंद है। प्रिंट मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्लस यहाँ पर भी नेकलाइन बहुत सुंदर है बॉर्डर के साथ, यहाँ पर लेस अप्लाई की हुई है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये पैटर्न। सो या बैक से बिल्कुल प्लेन है, बाकी यहाँ पूरा इसका जो फिट है बहुत ही सुंदर आया। एंड आप इसे व्हाइट और इसी सेम पिंक कलर के साथ वेयर करोगे तो बहुत सही लगेगा, या फिर लाइट पिंक के साथ भी वेयर कर सकते हो, लेगिंग के साथ अच्छा लगेगा, बाकी आप चाहो तो उसके साथ दुपट्टा भी वेयर कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बट मैंने तो थोड़ी सी नॉर्मल ओकेजन्स के लिए ली है, तो इस तरीके से आपको डोरी मिल जाएगी, इस तरीके से बांधने के लिए मिल जाएगा, ये प्रॉपर इस तरीके से नेक मिलेगा। सो इसमें ना गोल्डन कलर का प्रिंट हो रखा है, तो आप आपके पास अगर कोई गोल्डन कलर का प्लाजो पैंट वगैरह हो तो उसके साथ पहन सकते हो, बाकी ब्लैक डेनिम वगैरह या ब्लू डेनिम वगैरह के साथ पहन सकते हो। उसमें इस तरीके से रेड कलर का भी कुछ प्रिंटिश सा हो रहा है, एज यू कैन सी प्रॉपर बड़ा बड़ा सा बॉर्डर हो रखा है अगर आप देख पा रहे हो तो। सो दिस या अभी प्रॉपरली दिख रहा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब अगर आप छोटी मोटी पूजा फंक्शंस वगैरह में पहनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पहन सकते हो, कुछ डिफरेंट है, मुझे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो दैट्स व्हाई आई पिक दिस वन एंड आई रियली लाइक दिस, लाइक डेनिम लाइट ब्लू डेनिम जीन्स का बहुत ही मस्त अच्छी लगने वाली है। सो यह प्रॉपर पूरे पर आपको इसे वर्टिकली डिज़ाइन भी मिल रहा है, और ऑक्सटाइज ज्वेलरी के साथ पहनोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो दैट्स इट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इस द कुर्ती जिसकी मैं मोस्टली बात कर रही थी, आप लोग लाइक थोड़ा सा ऑफिस वगैरह में नहीं पहन सकते अगर आपको ऐसा लग रहा हो स्टैप्स वाली हैं, बट मुझे इस तरह की कुर्तीज बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें आपको ना कलर कॉम्बिनेशन और मिल जाएंगे, इसमें हल्का सा ग्रेइश या ब्लूइश मिक्स है ये जो भी, तो आप ग्रे ब्लू के साथ भी पहन सकते हो, बाकी ब्लैक के साथ ये प्रॉपरली अच्छे से जाएगी। तो प्रॉपर लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ती है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कलर ऑप्शंस हैं, दिस इज द बैक साइड और दिस इज द फ्रंट साइड, दोनों साइड से सेम ही है। और या इसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए, बाकी प्रॉपर आपको हुक्स वगैरह मिल जाएंगे छोटा बड़ा करने के लिए, एंड इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत सिंपल भी है और बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद। कलर प्रिंट देख लो कितना सुंदर है, और यह कॉटन के फैब्रिक में है, लाइक समर्स के लिए काफ़ी सही है। इस तरीके की चीज़ें मुझे बहुत सही लगती है समर्स में, लाइक टॉप और जीन्स के अलावा कुछ देखती हूँ ना तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। लास्ट आई हैव दिस पिंक कुर्ती जो कि सबको पसंद आएगी, सबके साथ जाएगी, व्हाइट कलर का कुछ भी ले लो, लाइक प्लाजो पैंट जो कि सब पर होता है, लेगिंग के साथ भी, दुपट्टा भी कैरी कर सकते हो के साथ। तो इसमें प्रॉपर इस तरीके से फ्लावर प्रिंट मिलेगा, पूरे ऊपर इस तरीके से लेस अप्लाई कर रखे हैं,
पूरे पर लेस है एंड यहाँ नेक पर भी आपको लेस मिल जाएगी. एज यू कैन सी बहुत सुंदर लगती है ये पहनने के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड कलर भी बहुत अच्छा है, प्यारा सा पिंक कलर है. और पूरी स्ट्रेट कुर्ती मिलेगी आपको, एज यू कैन सी बहुत सुंदर लगती है. लाइक मैंने बोला ना, अगर आपको लाइक थोड़ा सा एथनिक वेयर में पहनना है तो आप दुपट्टा ले लेना, बाकी ना डेनिम जीन्स वगैरह के साथ पहन सकते हो. डिस्ट्रेस जीन्स के साथ भी अच्छी लगेगी, स्किनी जीन्स के साथ भी अच्छी लगेगी. सो ये प्रॉपर आप ऑफिस कॉलेज के लिए ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत सिंपल सी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है. कॉटन का फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा वाला कॉटन का फैब्रिक है. और पीछे से ना आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, मैं पहले ही दिखा दे रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो आपको क्या समझ में आ रहा होगा. चिकनकारी कुर्ती, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं. दिस इज द स्लीव, स्लीव पर भी ना आपको इस तरीके से प्यारी सी लेस मिल जाएगी. कॉटन का फैब्रिक है, आप खुद ही देख लो, बहुत ही प्यारा कॉटन है और बहुत ही सुंदर सा वर्क कर रखा है. इसमें चार पांच ही कलर्स आपको मिल जाएंगे, लाइक ब्लैक है ये तो पिंक मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, जैसे भी कलर हो आप चेकआउट कर सकते हो. सो दिस इज द बैक साइड, बिल्कुल प्लेन है. बहुत जल्दी जल्दी शेयर करूंगी बिकॉज बहुत सारी कुर्तीज हैं इस वीडियो में. सो स्ट्रेट कट कुर्ती मिलेगा आपको, एज यू कैन सी फैब्रिक इज रियली नाइस. लाइक ब्लू कलर के और व्हाइट कलर के डेनिम जीन्स के साथ ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था. एंड या आई रियली लाइक दिस फैब्रिक इज रियली नाइस. मैंने स्मॉल साइज में लिया, स्मॉल मेरे को परफेक्टली फिट आया, बाकी आप प्राउन में देख लेना. नेक्स्ट आई हैव दिस मरून कुर्ती, मेरी ये बहुत ज्यादा फेवरेट हो गई और बहुत अच्छी भी लग रही थी. व्हाइट और व्हाइट ब्लू डेनिम के साथ आप पहन सकते हो उसको, बहुत अच्छी है. लाइक पूरा कॉटन का फैब्रिक है और उसमें मैंने एक और पीस लिया है ब्लैक कलर में. इस तरीके की आपको स्लीव्स मिल जाएंगे, इस तरीके से बॉर्डर दिया हुआ है. एंड ये ब्रांड ना मुझे पहली बार दिखा, कुछ हैंडीक्राफ्ट कुछ करके है एंड इनके पास बहुत ही अच्छी अच्छी कुर्तीज हैं. दिस इज द बैक साइड और मतलब पूरा प्लेन है बट नीचे आपको ना अच्छा खासा इसमें इस तरीके से घेर मिल जाएगा, लाइक प्लेट्स लगी हुई है जिसकी वजह से घेर आया है. एंड यू नो वॉट, यहाँ पर आपको क्यूट से इस तरीके से लाइक क्या बोलते हैं इनको, लटकन टाइप बोलते हैं ना, तो यहाँ लटकन मिल जाएंगी आपको. लाइट में इस तरीके से क्यूट सी लटकन मिल जाएंगी. एज यू कैन सी आप बांधना चाहो तो बांध सकते हो, बट मैंने तो बिना बांधे पहना था, बहुत सही लग रही थी. फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है और इसमें बहुत सारी कलर्स कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हो. फ्रंट पर भी ना आपको इस तरीके से प्लेट्स मिल जाएंगी, इसकी वजह से घेर बहुत ही सही आता है और प्रिंट भी इसका बहुत अच्छा है, ऐसा निकलने वाला प्रिंट नहीं है. कलर तो आप देख लो कितना सुंदर लग रहा है. लाइक कुर्तीज में इस तरीके का कलर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके के कलर कुर्तीज में, लाइक ब्लैक हुआ, व्हाइट हुआ और इस तरीके से मैरून कलर. सो आई रियली लाइक दिस. बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से नेकलाइन दिया हुआ जो कि काफी अच्छा भी लग रहा था. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट ना मेरे पास ये है ब्लैक कलर का, जो कि सेम ब्रांड में से मैंने लिया है. अभी जो मरून वाला दिखाया था, इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा, लाइक उससे भी ज़्यादा अच्छा है. प्योर कॉटन का फैब्रिक है, इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा. सेम इसी तरीके से बहुत सारे कैटलॉग्स हैं वहाँ पर, तो आप चेकआउट कर सकते हो. और इस तरीके से सेम ऐसे मिलेगा, रिबन दिया हुआ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये इस तरीके से. एंड इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा और यहाँ पर पूरा इस तरीके से क्रिस क्रॉस में रिबन है. स्लीव्स एज वेल कुर्तीज में ना, इस शॉर्ट कुर्तीज में इतनी ही आती है मोस्टली. और बैक से बिल्कुल प्लेन है, नीचे आपको बहुत सारे फ्रिल्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से घेर अच्छा आता है. आप स्किनी जीन्स वगैरह के साथ भी इसे पहन सकते हो, बाकी फैब्रिक आप बिना सोचे ले लेना बिकॉज फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. स्लीवलेस कुर्ती ली जो कि बहुत अच्छी लग रही थी पहनने के बाद. एक्चुअली इसका नेकलाइन आप देख लो, लाइक थोड़ा सा ब्रॉड है और स्लीवलेस कट में है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है. इसका प्राइस अराउंड 400 रुपीज़ है, बट ट्रस्ट मी गाइज फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा. लाइक पूरा आपको इस तरीके से स्ट्रेट में मिलेगा और यहाँ पर लाइक पूरा इसी तरीके का प्रिंट हो रखा है, लाइक फ्रंट और बैक दोनों साइड से. और यार ये पहनने के बाद ना बहुत अच्छी लग रही थी. आप वाइट ब्लू डेनिम जीन्स के साथ पहन सकते हो, ब्लैक के साथ भी जा सकते हो, लेकिन लाइट ब्लू और वाइट के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी. बाकी प्योर कॉटन का फैब्रिक है, अगर आप ऑफिस कॉलेज के लिए देख रहे हो और इससे ऑक्साइज ज्वेलरी वगैरह के साथ भी स्टाइल कर सकते हो. लाइक लेने के बाद ही आउट ऑफ स्टॉक हो गई, उसमें ना ब्लू कलर दिखा रहा था बट ब्लू अच्छा नहीं था, बट ये थोड़ी सी एस्थेटिक सी लग रही थी और थोड़ी सी अलग लग रही थी मेरे को, तो दैट्स वाई आई पिक दिस. ये भी कॉटन का फैब्रिक है, आप देख लो किस तरीके से एस्थेटिक से इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, प्रिंट हो रखा है एक्चुअली. और ये भी कॉटन है, मतलब बहुत अच्छा वाला कॉटन है और बिल्कुल लाइट पिंकिश कलर में है ये. और इस तरीके से आपको
बैक पे मिल जाएंगे, बैक पे भी फ्लावर प्रिंट हो रखा है। फ्रंट पर नेक लाइन पर आपको इस तरीके से लेस मिल जाएगी और नीचे भी थोड़ा सा लेस का काम किया हुआ है। बाकी स्ट्रेट कट में कुर्ती है और ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। ब्लैक डेनिम के साथ पहन लो, व्हाइट के साथ पहन लो, ब्लू के साथ, मतलब ये तो सारे कलर्स के साथ जाएगी। सो आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग एंड आई रियली लाइक दिस वन। बाकी इसमें अभी आई थिंक ब्लू कलर अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। कुर्ती है, मे भी आप लोगों ने देखी हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बट हाँ, ये व्हाइट है सो थोड़ा सा गंदा होने का डर लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह के साथ। तो इस तरीके से आपको स्लीव्स मिल जाएंगी, स्लीव्स पर इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा एंड नेक पर भी पूरा से लाइनिंग अप्लाई कर रखी है बॉर्डर के साथ, और यहाँ नीचे तक आपको बॉर्डर मिलेगा। सेम अगेन स्लीव्स पर, और बैक से बिल्कुल प्लेन है, मतलब पूरा वाइट फैब्रिक का कुर्ता है ये। और इस तरीके की कुर्ती ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अगर आप व्हाइट में कुछ देख रहे हो तो आप ले सकते हो, बट ये भी ऑफिस कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई रियली लाइक द फैब्रिक, एक्चुअली बहुत प्यारा फैब्रिक है। ये भी अराउंड 400 अप्रॉक्स में मैंने ली है और आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग। वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। बाय।